सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस मेंटर। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइव थिंग्स टू डू आफ्टर ए वर्कआउट, आफ्टर ए इंटेंस ट्रेनिंग। जब कभी भी आप अच्छी वर्कआउट या कार्डियो या इंटेंस एक्सरसाइज करके आएंगे, फाइव थिंग मस्ट डू गाइस। ये मैं एक एक बार आपको एलाबोरेट करके समझाऊंगा गाइस, अच्छे से ध्यान से सुनिए इसको। सो बहुत बार हमने सुना होगा हाइड्रेशन के बारे में, रिहाइड्रेशन नहीं सुना हो तो एक्सरसाइज में, फिटनेस में रिहाइड्रेशन होता है गाइस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग होता है, एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, तो तरह तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में एक्सरसाइज के बाद। तो गाइस हमको रिहाइड्रेशन पर ध्यान देना होगा। क्या है रिहाइड्रेशन? सो गाइस, जो आपका सोडियम जो आपके बॉडी से चला गया, जो मिनरल्स है, जो पोटेशियम है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो शुगर लेवल्स है आपके, और जो गाइस जो वाटर लेवल कम हो गया आपका, उसको रिहाइड्रेशन करना है गाइस। तो उसको कैसे कर सकते हैं? सबसे इजी, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स व्हाट टू ऐड, कुछ और ऐड करने के बदले बेहतरीन चीज ये है कि आप ORS ऐड करिए गाइस। वो आपको पैकेट्स में भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में आपको, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है गाइस। सो यू कैन गो टू अ मार्केट, गो एंड हैव वन पैकेट और एनी लिक्विड फॉर्म टू रिहाइड्रेट योरसेल्फ। ओके गाइस, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिहाइड्रेशन। सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन्फ्लेमेशन गाइस। तो हमारा दूसरा पॉइंट है मसल में पेन होना गाइस। तो गाइस ये मसल के एज में, मसल के मिडल में सोरनेस होता है, पेन होता है, एक्सरसाइज के बाद भी होता है या 24 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद भी होता है। तो गाइस ये पेन के लिए आप सबसे बेहतरीन चीज है चेरी का इस्तेमाल करिए गाइस, चेरी जूस का इस्तेमाल करिए आप। ओके गाइस, इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, जो बर्निंग सेंसेशन होता है, जो एक अलग ही तरीके का पेन होता है आपको, राइट, मोस्टली एक्सरसाइज में मसल ब्रेक होने के बाद होता है गाइस। गाइस चेरी में एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होता है गाइस, तो इसको आप इस्तेमाल करिए। इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, मसल में पेन हो रहा है, ये इस पे आप काम कर सकते हैं गाइस। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। चलिए अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो गाइस तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज आपकी बॉडी जो है ना एनाबॉलिक स्टेट में चला जाता है गाइस। उसको वो स्टेट में जाने के बाद, आपको बस एक्सरसाइज खत्म होते ही जो है 2 मिनट्स लाई डाउन करना है। वो किस लिए? आपकी बॉडी रिकवरी के लिए, एंड आपका हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगा। सो एनाबॉलिक स्टेट में जाने के बाद आपका जो है कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है गाइस। कॉर्टिसोल लेवल हाई होने से उसको आपको कम करना चाहिए गाइस। कैसे कम कर सकते हैं? इंसुलिन बढ़ा के। तो आप इंसुलिन कैसे बढ़ाएंगे? बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। अभी जो है एक ऑप्शन ये है कि आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है शुगर केन जूस, इसमें इंसुलिन प्रॉपर्टीज होता है गाइस। एंड द थर्ड पॉइंट विल बी अगेंस्ट द सेम ORS भी ले सकते हैं आप। तो कॉर्टिसोल लेवल इज नथिंग बट स्ट्रेस हार्मोन गाइस। तो ये आपका जो है स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, तो उसको लोअर करने के लिए इंसुलिन को इंक्रीज करना पड़ता है। ओके गाइस, अंडरस्टैंड? चलिए हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट है लैक्टिक एसिड। ये क्या होता है? तो गाइस जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में जो मसल में सोरनेस आ जाता है ना, एकदम अलग तरीके से पेन फील होता है आपको, मसल में मूवमेंट नहीं होता है, आपको जिम जाना इंटरेस्ट नहीं लगता है, वो सोरनेस है गाइस। मसल में जो है मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, वो सोरनेस है। तो वो सोरनेस क्यों होता है गाइस? लैक्टिक एसिड इंक्रीज होने से होता है। लैक्टिक एसिड जब इंक्रीज होता है गाइस, तो मसल ब्रेक होने के बाद इसको ऑक्सीजन लेवल की जरूरत पड़ती है। तो लैक्टिक एसिड आपका जो मसल का ऑक्सीजन है ना, उसको रोक देता है गाइस। तो इसलिए होता है। तो लैक्टिक एसिड पे काम करने के लिए आप हमेशा जिम खत्म करके थोड़ा वॉक करके जाइए, या जिम करने के बाद एक 5 to 10 मिनट्स कार्डियो कर लीजिए। इससे क्या होता है, मसल में ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, इससे
आपका जो लैक्टिक एसिड का लेवल है कम होकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा एंड मसल आपका अच्छे से रिकवर हो जाता है गाइस। और जहां जहां आपको सोने से जहां जहां आपको पेन है वो ऑटोमेटिकली आपका मसल रिलीव हो जाता है। तो अंडरस्टैंड गाइस व्हाट द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड। ओके सो इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग एक्सरसाइज के बाद ग्रीन टी पीते हैं, एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक्स ले लेते हैं, एक्सरसाइज के बाद जो है कुछ कैजुअल चीजें खा लेते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बाद आपका मसल सोर हो गया, सोरनेस आ जाता है, लाइक मसल में आपको अलग ही फीलिंग आती है, राइट, थोड़ा क्रैम्स आने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, लोग फेस वॉश तो करते हैं बट दे फॉरगेट टू शावर गाइस। ऑलवेज आफ्टर एक्सरसाइज शावर, शावर लेना सीखिए गाइस। आफ्टर एक्सरसाइज एक अच्छा सा शावर ले लीजिए। शावर कैसा होना चाहिए गाइस, अगर अच्छे से आपको रिकवरी होना है मसल में तो आपका डे अच्छा जाना है। इफ यू वॉकिंग समवेयर यू शुड बी एक्टिव, राइट। तो उसके लिए हमको एक्सरसाइज के बाद इमीडिएटली शावर लेना है गाइस। तो एक्सरसाइज के बाद आपको 1:2 रेशे का शावर लेना है। वो क्या है 1:2, अगर 1 जो है आपका कोल्ड है, 2 रेशियो में आपका हॉट वाटर होना चाहिए। ये दोनों को मिक्स करके आप शावर लीजिए, आपका मसल का सोरनेस और कम हो जाएगा और यू विल फील एक्टिव, आपका डे भी अच्छा जाएगा गाइस। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट मिस आउट कि मसल में क्रैम्स आते हैं। क्रैम्स लोग बोलते हैं अरे भाई मैं लेग्स एक्सरसाइज कर रहा हूं, हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया, अरे काफ में क्रैम्प आ गया, अरे ये बाइसेप में क्रैम्प आ गया। तो गाइस क्रैम्प क्यों आता है, बिकॉज यू आर नॉट रिहाइड्रेशन गाइस, आप रिहाइड्रेट नहीं कर रहे हो। आप इतनी देर एक्सरसाइज कर रहे हो 45 मिनट्स 1 आवर, बट आप उसको रिहाइड्रेट क्यों नहीं कर रहे हो गाइस। तो आप जब भी आपको फील हुआ कि मसल में क्रैम्प आ रहा है, इट मीन्स योर मसल इज डिमांडिंग टू रिहाइड्रेट। आप तुरंत जो है ORS ऐड कर लीजिए गाइस, बस आप तुरंत जो है ORS ऐड कर लीजिए, देयर इज अ बेस्ट सोर्स, बिकॉज उसमें सारी चीजें होते हैं तकरीबन, पोटेशियम सोडियम शुगर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड आप वाटर मत भूलिए गाइस, ऑलवेज पीपल फॉरगेट टू रिहाइड्रेट विद वाटर। वाटर इज वेरी ब्यूटिफुल गाइस, ऑलवेज ऐड वाटर, ऑलवेज हैव गुड वाटर, पुट अलार्म इफ यू हैव बिजी वर्क, put alarm guys to have water. Okay guys, just understand this 5 point, essential points. So with that you will get better results, and follow us, and if you like the video, comment and share to your friends and family. Thank you.